जब चले तो भगवान विष्णु ने बीच में माया चक्र रचा दिया। वहां पर जाकर देखा एक राजा की लड़की है, बहुत ही सुंदरी है, और उसने अपना उस स्वयंवर रचा हुआ है, स्वयंवर रच रही है कि जो पसंद आएगा उसके गले में माला डाल देंगे तो उसके साथ उसकी शादी हो जाएगी। नारद जी ने भी देख लिया, अरे हाँ ठीक है, शादी लायक है, कहने के ठीक है। अब वो बेचारी घूमती घामती आए, सबको देखती फिर नारद जी मुंह कर दे अपनी अग्नि तरफ, वो फिर चली जाए, उसको देखे ही नहीं। खैर स्वयंवर का नियम उसका ये था कि भाई दो दिन में चार दिन में जिस दिन में जब लड़की को कोई बार पसंद आएगा तो माला पहनाएगी, नहीं नहीं पहनाएगी, चाहे 10 बार स्वयंवर हो। तो कड़े की क्या बात, शंकर जी के दो गण बैठे थे, वो कड़े नारद जी तुम यूं क्या कर रहे हो, यदि शादी करनी है तो विष्णु भगवान से रूप ले आओ, विष्णु का रूप रखाओ, तब इससे शादी पड़ेगी तुम्हारी। गया वैकुंठ में, कड़गा आइए मणिराज कैसे है कि हे विष्णु थोड़ा अपनी शक्ल हमें दो, तो अपना रूप दे दो, हे हरि तुम अपना रूप हमारा हमें दे दो थोड़े दिन के लिए। हरि नाम विष्णु का भी है, बंदरों का भी है, भगवान विष्णु ने बंदर जैसी शक्ल बढ़ा दी उसकी। आया वहाँ स्वयंवर में, वही लड़की आए और ये यूं करे, वो पीछे हट जाए, बंदर को क्यों माला पहना लगी बेचारी, कह लगे ये क्या बात नहीं, तो हम तो हरि का रूप लेकर है फिर भी नहीं माला पहनाती। तो वो शंकर जी के जो गण थे वो हंस पड़ी, कहने क्यों हंसते हो तुम, कि नहीं मुनिराज हम तो नहीं हंसते, किंतु जरा नहर में अपनी शक्ल देखो, दाग पानी में शीशा से घेरी सुन, नहर में दाग शक्ल देखी तो बंदर की शक्ल थी सारी, हे हरि तुम मुझे अपना रूप दे दो, हरि तुम नाम बंदर का भी है विष्णु भगवान का भी है, बस शक्ल देखते ही शाप दे दिया विष्णु भगवान को। हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्व मोहन, परोत्साहम न शेषे मायावी बलिनाशय, जन्मुखम कृतवान में तुम ते भवंतु सहायिना, हे हरि तू बड़ा दुष्ट है, अब जा तू मनुष्य लोक में जाकर अवतार ले, जो तेरे मेरा मुख पढ़ाया वही तेरी सहायता करेंगे, ते उनकी सहायता से तू बच पाएगा, नहीं तू बचेगा ही नहीं, तेरे पीछे राक्षस ही रहेंगे। शाप दे दिया, भगवान राम का अवतार हुआ, बंदर बंदर उनकी सहायता करने के लिए, घटना तो सारी तो कुछ हुई थी घट गई, किंतु ये थी वो माया अहंक। इसे योग दर्शन में कहा स्थानिमंत्रण संग स्मया करणम पुनरिष्ट प्रसंगा, देवता लोग जब विचारान को समाधि में प्रवेश होने के बाद खुशामद करें तो उनकी बात को नहीं करना माननी चाहिए, जाए नहीं सर्वलोक को, और दूसरी बात ये करनी चाहिए अहंकार भी न करे नारद की तरह से, जैसे नारद कहेंगे आओ तानिम तावत देवानाम पूज्योस्मी, हमने काम देव पूजित लिया, अब देवताओं के भी गुरु हो गए हम तो, कोई बाकी नहीं रही, अहंकार भी न करे। अच्छा देखो हमारे बच्चे जिन दिनों ने दृढ़ तरह अभ्यास किया वो बने और ऊंचे बने, बहुत ऊंचे बने, और ऐसा उपक्रम भी आया जिस समय रघुनंदन प्रसाद ने हमसे दीक्षा ली टाट वाले बाबा ने, तो फिरोजाबाद में जो उन्होंने अपना आश्रम बना लिया डेरा, उनके समकालीन एक साधु ने और ने दीक्षा ली थी, उसका नाम था रमणीगिर, नागा साधु था वो, साधवाना नाम था रमणीगिर, और वैसे उसका जन्म नाम था राधेश्याम, उसके गांव का नाम है उदयशा, चंदौसी और मुरादाबाद के बीच में नमैनी उदयशा नाम का गांव है, उस नमैनी उदयशा के किसी ब्राह्मण कुटुंब से में उसका जन्म हुआ था, उसको हमने योग दीक्षा दी। अपने पहले नियम के अनुसार हमने दृढ़ तरह अभ्यास कराया उसको, खूब दो दो छः छः आठ आठ घंटे ध्यान में बराबर बैठाया करते थे, खाने पीने को दराहा दिया करते थे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत ऊंची स्थिति उसकी बढ़ गई, वितर्कानुगत समाधि के बाद में विचारानुगत समाधि के अंदर प्रवेश कर गया,
और उसने गंध धर्मात्र के रूप देखे, रस धर्मात्र के रूप, धर्मात्र के रूप देखे, चारों तरफ देखते देखते स्वर्ग देखा सारा का सारा। प्रभु जी दिखा दिया करते थे स्वर्ग आदि, यूं दिखाया करते थे कि मनुष्य के मन में फिर स्वर्ग भोग की लालच बह रही। ये योग दर्शन का सिद्धांत भी है कि पर वैराग्य दृष्टानुसारिक विषय पितृसत्य है, वशिकार संज्ञा वैराग्य, देखे हुए सुने हुए जो विषय हैं उन पर कंट्रोल करना तो है वो वशिकार संज्ञा वैराग्य, अर्थात अपने आप को रोक लेना। दृष्टानुसारिक विषय वितरणस्य शिकार संज्ञा वैराग्य, देखे हुए और सुने हुए जितने विषय हैं उनसे अपने मन को काबू में कर ले वो तो है वशिकार संज्ञा वैराग्य। और एक इससे बड़ा वैराग्य है तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृषण्यम, वो पर वैराग्य है जिसमें योगी गुणों से वितृष्ण हो जाते हैं, गुणों से इच्छा ही नहीं। तो ये था वशिकार संज्ञा वैराग्य। ये इस हालत में जिसमें स्वर्ग आदि लोग अंदर देखते हैं उस समय वशिकार संज्ञा वैराग्य प्राप्त हो जाता है। वशिकार संज्ञा वैराग्य में जो अनिष्ट गुरु भक्त हैं, गुरु आज्ञा पालक हैं, गुरुदेव के अतिरिक्त का मन चिंतन में नहीं जाता, वो तो उनको कोई नहीं गिरा सकता, देवता भी नहीं गिरा सकते। वैसे योग दर्शन ने ये तो कह दिया, स्थानीय प्रबंध ने संगस्मयाकरणम पुनरिष्ट प्रसंगा, स्थानीय लोग देवता लोग जब निमंत्रण करें तो योगी को उनके मोह प्रबंध में भरना नहीं चाहिए, अहंकार भी नहीं करना चाहिए, किंतु जहाँ पर गुरु भक्ति है वहाँ पर प्रलोभन चलता ही नहीं, वहाँ प्रलोभन से परे। रमणी गिर वितरकानुगत समाधि से जब ऊंचा उठा तो लोकलोकांतर उसको देखने लगे सब। भगवान शंकर का वो भक्त था, उसने सृष्टि को बढ़ते देखा, शिवलिंग नीचे से पैदा हुआ, शिवलिंग के सारे सारे आकाश लोग चले गए, ब्रह्मा शिव विष्णु शिव की तीनों भी जिसका पार नहीं पास किया शिवलिंग का, उसी से सारी शक्ति का आदि आदि दृश्य उसने समाधि ये बैठ बैठ करके हमें बताए सारे कि आज हमने ये देखा आज हमने ये देखा। स्थिति भूत भविष्य का ज्ञाता हो गया, ऐसी ऊंची स्थिति बन गई उसकी। उसको हम ये एक छप्पर में बैठा कर अभ्यास कराया करते थे। रामलीला का मौका आया, हमारे आश्रम में एक पालीवाल रहते थे, उनका नाम था नथुराम, नथुराम काका कहते थे उसको। रामलीला का मौका था, नथुराम ने उससे कहा, अरे नागे क्या आँख बंद करके बैठे रहते सब, चल रामचंद्र जी की बरात निकली आज, बरात दिखा लाओ चल बाजार में। तो कल हाँ काका जी तुम बरात देखाओ हम तुम्हें देखेंगे क्या क्या करके आए। तो काका कह लिया बने में तो बहुत ज़्यादा है, मेरे को क्या देखेगा, देखिए बताइए मेरे को, हाँ बताऊँगा जाओ तुम बरात देख आओ। वो बरात देखा, रामचंद्र जी की बरात निकली, नथुराम कापा लौट करके आश्रम में आए तो रमणी गिर हंस रहा था, हंसते हंसते उसने कहा काका जी बतलाओ आप बतलाओ कि आप यहाँ से गए डोरे के बाहर जाकर कुड़िया के पास लघु शंका बैठे, लघु शंका करके आप वहाँ कुएं के पास गए, वहाँ प्याव लग रही थी और ठाकुर लोगों ने ठंडाई बनाई हुई थी, आपको ठंडाई पिलाई, उसमें भाग का अंश भी था थोड़ा ठंडाई में, ठंडाई पी करके आप वहाँ से गए पीपल के नीचे निकले और भगवान दास लाला भगवान दास की दुकान पर खड़े होकर के आपने बारात देखी। बारात में एक खास बात ये थी कि रामचंद्र जी का रूप जो था वो थोड़ा सांवरा होना चाहिए था, किंतु रामचंद्र जी तो गोरे थे और जो लक्ष्मण बना था वो सांवरा था। और वो बारात यूं यूं आई, चलते चलते बैंड बजता रहा, वहाँ तक गई, वहाँ से यू लौटी, वहाँ पर बीच में इस प्रकार की गड़बड़ सी हुई, फिर वहाँ तक आकर चली गई, सारी हकीकत बतला दी। उसके बाद आप लौट करके आए, आप सड़क के रास्ते से भी आए, इधर से तबारों वाले मोहल्ले से निकल के आए और निकल के आकर के अब काका जी आप डोरे के नीचे लोग सुनका बैठ करके आए अभी अभी, चलो बताओ लोग कल ये बतलाओ जाकर बताए क्यों यहाँ बैठा था कि नहीं बैठा था। कि हाँ बैठा था।
तो नथुराल कड़ गया, अरे भाई तू तो बड़ा अंतरी, तुम तो सारी बातें ठीक ठीक बताई, सत्य सत्य। यहाँ काका जी तुम बरात को देख का है, हमने तुम्हारे को देख लिया, और हमने आज असली बरात भी देखी, रामचंद्र जी की जो थी किसी समय दर्दपुरी में, वो भी देख लिया सारा कि वो कैसी थी। कल अब कैसी तुम्हें क्या बतलाए, तुम वो कभी देखोगे, तुम देख लेना, हमने देख लिया। ये स्थिति उसकी ध्यान की ऊँची बन गई। इतनी ऊँची स्थिति बनने पर फिर बात आई वो स्थान निपमंत्रण संगस्मय आकरम पुण्य नष्ट प्रसंगात। उसने हमें बतलाया कि गुरुजी आज तो मैं स्वर्गलोक में गया, तो स्वर्गलोक में देवताओं ने मुझसे मेरा बड़ा मान किया, और वो कहने लगे तू यहाँ क्या करता है, ये देख ये कन्या तेरे लिए बैठी है, तेरे को तक रही है, तब की यहाँ चला है स्वर्गलोक में, यहाँ इसी से तेरी शादी हो जाएगी, क्या तू योग ध्यान में पड़ा हुआ है। मुझे उसने ये ध्यान की स्थिति सुनाई अपनी, उसने सुनाई उधर योग दर्शन कह ही रहा था, स्थान प्रमंत्रण संगस्वयाकलम पुराण इष्ट प्रसंगात। देवता लोग जब ऐसे प्रलोभन दे, प्रलोभन ये स्त्री जाति प्रलोभन देते देवता ज्यादा, तो उस समय योगी को उनकी बात माननी नहीं चाहिए, और गुरुदेव के सामने गुरु रग्बे वक्तव्यम सत्यं च कदाचन, गुरुदेव के सामने कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। बस उसको ये दृश्य हुआ, मैंने उससे कहा अच्छा भाई तू कुछ दिन ध्यान में मत बैठे। कहने लगा गुरु जी ध्यान में मैं बैठूं, मैंने तो बड़े अच्छे अच्छे नज़ारे देखता था, मैंने कहा मत बैठे। तो अब वो स्वर्गीय प्रलोभन पड़ गया मन में, वो लड़की फड़की दिखा दी कोई, तो कदम के नीचे दाग थोड़ा सा बैठ गया। कहे गुरु जी कुदरती ध्यान लग जाए तो, मैंने कहा कुदरती जब लगा तभी देखी जाएगी, तो बैठिए ना, किंतु उसने उससे नहीं रहा गया, हम तो सो गए, वो बैठ गया दाग कदम के नीचे ध्यान में। जब कदम के नीचे ध्यान में बैठा तो देवता कहते हैं अरे क्यों पड़ा है यहाँ तुम, कि गुरु जी ने तो मुझे बने किया था पर मैं बैठ गया, फिर वही लड़की फड़की दिखाई। तो देवता कहते हैं तू इसी समय चलते, यहाँ तो रहेगा तो तू यूं ही भटक जाएगा, कोई फायदा नहीं, और तू स्वर्ग में आकर के इससे तेरी शादी हो जाएगी, यहाँ आराम से रही। कल ये मुझे इस बात का क्या पता स्वर्ग में कैसे, अच्छा तू यहाँ से तो चल, ये तेरे पास मनुष्य लोक में ही आ जाएगी, तेरे सामने वो विमान से आएगी, फिर उसी विमान में बैठ के तू स्वर्ग में आ जाएगी। कहे अच्छा फिर कि चल कुसुम सरोवर पर, तो ध्यान से उठ करके मुझे प्रणाम करने भी नहीं आया, उधर से उधर मितावली स्टेशन पर चला गया, मितावली स्टेशन पर जा करके आया नहीं। क्या हुआ वहीं पर कुसुम पर कोई किसी गांव गुम की थी लड़की, कोई संपर्क पड़ गया, बस स्वर्ग दिखना भी बंद हो गया, बस वहीं पर पड़ा करके ध्यान सारा खत्म हो गया। खाने लगने मंदिर नहीं फिर मेरे पास नहीं आया, जब ध्यान खत्म क्यों प्रसंग उसका फट गया था। अचानक एक दिन हमें फिर वो मिला ऋषिकेश में, कहीं घूमता मैंने कहा रे रमणीगिर क्या बात, कि गुरु जी क्या बात बताऊँ मैं आपसे आज्ञा लेख नहीं यार, मेरे साथ ये बनी और अब मैं तड़प रहा हूँ, मैं ध्यान लगता।